नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि मीशो में आर्डर करते समय एड्रेस कैसे डाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप मीशो से किसी भी आइटम को यहाँ पे ऑर्डर कर रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों आपको नहीं आता कि एड्रेस कैसे डाला जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मीशो से किसी भी प्रोडक्ट को घर पे अपने मंगाना चाहते हैं तो वहाँ पे एड्रेस कैसे फिल किया जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पे आप लोग गलत एड्रेस डाल देते हैं ना, तो आप का प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो यहां पे जेन्युइन तरीका है और जो यहां पे रियल ट्रिक है ना, उसको मैं बताऊंगा कि आपको अपना एड्रेस कैसे डाला जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, मीशो ऐप ओपन करना है। और मीशो ऐप ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट अभी ले लेता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे साड़ी को अपने साड़ी जो है एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं एक साड़ी यहाँ पे ऑर्डर करके आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे एड्रेस कैसे फिल किया जाता है बताऊंगा। तो सिंपली आपको जो भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मैं पूरा यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, बीच में कहीं भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप बीच में कहीं भी स्किप करते हैं तो आप नहीं समझ पाइएगा कि किसी भी प्रोडक्ट को मंगाने के लिए आर्डर कैसे किया जाता है और उसमें जो एड्रेस है कैसे डाला जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और मैं यहाँ पर जल्दी से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एड्रेस को फिल करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा यहाँ पे ये आ गया। अब आपको एड्रेस कैसे डालना है, अब दोस्तों यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको अपना एड्रेस डालना होगा, ठीक है, आपका जो मकान नंबर है, पिन कोड है, सिटी है और जिला है, मतलब जो भी यहाँ पे फिल करना है, कैसे फिल करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आप अपना नेम डाल दीजिए, जैसे मेरा नाम दीपेश यादव है तो आप अपना फुल नाम यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर डालना होगा। दोस्तों बता दूँ, फ़ोन नंबर वही डालिएगा जो चालू होगा, जिसमें मतलब कॉल आती हो, ऐसा नंबर मत दे दीजिएगा जो बंद हो, क्योंकि इसी पे जब डिलीवरी बॉय आएगा तो इस नंबर पे आपके कॉल करेगा, तो फ़ोन नंबर सही दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हाउस नंबर बिल्डिंग नंबर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों बता देता हूँ आपको हाउस नंबर और बिल्डिंग नंबर में क्या डालना है। आप सभी लोग कोई भी हो, आपको अगर अपना हाउस नंबर पता है या फिर नहीं पता है तभी जो मैं बता रहा हूँ, सिंपली आपको वही भरना है। यहाँ पे दोस्तों आपको 50 डालना है, 501 2 3 4 5। दोस्तों कोई भी हो आप 5 डाल दीजिए, आपका एड्रेस जो है ना बिल्कुल सही होगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आपको 50 डालना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रोड नेम, एरिया, कॉलोनी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप किसी रोड नेम को डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, एरिया अगर है मतलब जिस एरिया में रहते हैं उसे डाल सकते हैं, या फिर कॉलोनी में, मतलब तीनों में से कोई एक डाल दीजिए। तो फिलहाल मैं गांव से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे अपने गाँव का नाम डाल देता हूँ, जैसे मेरे गाँव का नाम है असिलाबाद तो मैं असिलाबाद डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड डालना होगा, पिन कोड। अब दोस्तों पिन कोड क्या होता है आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता पिन कोड क्या है और पिन कोड को कैसे निकाला जाता है, तो सिंपली आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए, वहाँ पे दोस्तों आपके एरिया का जो भी नेम है उसे लिखिए और उसके आगे लिखिए पिन कोड, सिंपली आपका पिन कोड मिल जाएगा, पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिटी मिलता है, तो सिटी में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, जैसे मेरा गोरखपुर जिला है तो मैं सिटी उसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर स्टेट यानी राज्य, तो राज्य मतलब आप किस राज्य में रहते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो सिंपली आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश चूज कर लेना होगा। इसी प्रकार से आप जो भी यहाँ पे शहर चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नियर बाय लोकेशन, यानी कि अगर कोई फेमस पेट्रोल पंप हो, अगर पार्क हो, या फिर कोई भी ऐसा मतलब एरिया हो जहां पे आप उस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं अपने, तो जैसे मैं यहां पे अपने जो पेट्रोल पंप है मेरे गांव के पास, तो यहां पे मैं पेट्रोल पंप डाल देता हूं, क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट आता है ना पेट्रोल पंप पे आ जाएगा, तो सिंपली मैं यहां पे डाल देता हूं। अगर यहां पे नियर बाय लोकेशन आपको नहीं पता तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, यहां पे कुछ मत फिल कीजिएगा, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो फिलहाल में मेरे को पता था तो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों आपको क्या करना है, सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आपको जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहां पे दोस्तों आपका जो एड्रेस है यहां पे आ जाएगा। उसके बाद यहां पे दोस्तों देख लीजिए आपका एड्रेस है फुल हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको थर्ड स्टेप में यहाँ पे आपका जो भी पेमेंट है उसे देना होगा। तो कैसे देना चले मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डिलीवर टू दिस एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपका पेमेंट मेथड अब जो थर्ड स्टेप में है आ जाएगा। इसे अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हो तो कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए।
अगर यहाँ पे आप ऑनलाइन देना चाहते हैं फोन पे, गूगल पे या डेबिट कार्ड से, तो यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, वहां से दे सकते हैं, पेटीएम से दे सकते हैं। फिलहाल मैं कैश ऑन डिलीवरी कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एस और नो का, तो नो करिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है कंटिन्यू का, तो सिंपली आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे प्लेस ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, जो आपका ऑर्डर है प्लेस हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए ऑर्डर कंफर्म। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा।